हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर निशांत। इस वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा अपनी कहानी से। 10th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं डेली 10 से 12 घंटा पढ़ता था और मैं देखता था कि जो मेरे संगी साथी हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करते हैं और बाकी खेलकूद भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, टीवी भी देखते हैं और वो स्ट्रेसफुल भी नहीं रहते एज कम्पेयर टू मी। लेकिन फिर भी अगर मैं मार्क्स कंपेयर करता था तो ऐसा नहीं था कि मेरे मार्क्स में और उनके मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। हाँ, मानता हूँ कि मेरे अप्रोक्सीमेटली 90% से ऊपर रहते थे और उनके 85 से 90 के बीच में रहते थे। लेकिन मैं सोचता था कि मैं इतना ज़्यादा एफर्ट लगाता हूँ और ये मस्ती करते रहते हैं फिर भी इनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है? और मैंने ये मान लिया था कि शायद मेरे दिमाग में कोई दिक्कत है या फिर मेरी कंसंट्रेशन पावर वीक है या फिर शायद इंटेलिजेंस ही खराब है मेरी। लेकिन जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे को एक ऐसे फॉर्मूले का पता लगा जिसने मेरी ही नहीं बहुत लोगों की जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया है। उस प्रिंसिपल का नाम है 80-20 प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल नर्सरी क्लास से लेकर डॉक्टरेट करने तक के हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएंगे। मैं आपके लिए ऐसे ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टॉपिक्स लाता रहूँगा, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड पेरिटो। वो एक बार अपने गार्डन में लेटे हुए थे तो उन्होंने ये पाया कि 80% जो मटर है वो खाली 20% पी पॉट से निकल रही है। और इस पैटर्न को उन्होंने जगह जगह पर अप्लाई कर देखा और आश्चर्य रह गए वो ये जानकर कि ये पैटर्न जो है खाली इसी में नहीं, बहुत सारी जगहों पर अप्लाई हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर आप 80% ऑफ टाइम्स आप खाली अपने 20% कपड़े ही पहनते हैं और 80% जो पॉपुलेशन है वो खाली 20% जगह पर रहती है। और ये पाया कि 80% जो उनका प्रॉफिट था वो खाली 20% क्लाइंट से हो रहा था। जो 80% अल्कोहल है वो खाली 20% अल्कोहलिक्स पीते हैं। 80% बुक्स 20% ऑथर्स की बिकती है और आप खाली 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से लगा सकते हैं। इस चीज को हम स्टडी में अप्लाई करके देखते हैं। चलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप इमेजिन करिए कि आपकी बुक है जिसमें 100 पेजेस हैं और इसका कल एग्जाम होने वाला है और मैं आपको कहूँ कि आपको इसका खाली 20% पढ़ना है, मतलब इस 100 पेज की बुक के आपको खाली 20 पेज पढ़ने हैं जिसमें से आपका 80% पेपर आएगा। हाँ फ्रेंड्स, यही है वो फॉर्मूला। इसका मतलब यह है कि जो 80% पेपर है वो 20% टॉपिक से आएगा। मैं जानता हूँ ये बात सुनकर आप एकदम आश्चर्यचकित रह गए होंगे और यही प्रिंसिपल को यूज करके आप मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे कि क्या बात करते हो, ये 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को कैसे पता लगेंगे? कैसे नहीं पता लगेंगे, जब यही पैटर्न है कि जो 80% पेपर है वो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से आएगा। तो आप ये 20% टॉपिक्स बहुत इजीली पता कर सकते हो। कैसे? प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख के। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करते तो हैं लेकिन हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट होगा, लेकिन ये एकदम गलत बात है। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, वो टॉपिक एग्जैक्टली रिपीट होगा। उसका जो सवाल है वो दूसरे तरीके से पूछा जाएगा ताकि वो टॉपिक रिपीट होए। अगर आप किसी भी पेपर में, चाहे आप बोर्ड्स की बात कर लें, चाहे आप नीट की बात कर लें, चाहे आप नीट पीजी की बात कर लें, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर लें, ये मैंने खुद अप्लाई कर देखा है, तो लास्ट टेन ईयर्स के जो टॉपिक्स हैं अगर आप उनको पूरी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप ये पाएंगे कि एटलीस्ट 80% जो पेपर है वो इन्हीं टॉपिक्स में से आ रहा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, बस टॉपिक्स सेम रहेंगे। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को हर स्टूडेंट तक पहुँचाएं, क्योंकि ये बात जानने में मेरे को 4 से 5 साल लग गए थे और जब मैंने इसको अप्लाई करा तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हुए। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद।